Hey guys, welcome back to Learn to Compete. My name is Hardev Thakur and today we are going to talk about perfect competition. इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा because it's going to be very important video. एक एक step important है, अगर आपने एक step भी miss कर दिया तो आपको ये वीडियो आगे समझ नहीं आएगी, ठीक है? तो I hope आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे. तो शुरू करते हैं. आज हम इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले कि perfect competition क्या होता है, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कि perfect competition में equilibrium कब होता है और इस equilibrium में firm कब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, कब नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है और कब लॉसेस कमाती है, ठीक है? इसके साथ ही हम चेक करेंगे कि शटडाउन पॉइंट किसे कहते हैं, कब हमारी फर्म प्रोडक्शन को बंद कर देती है. इसके अलावा हम देखेंगे कि शॉर्ट रन सप्लाई कर्व क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन के केस में. तो इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे. वीडियो को ध्यान से देखिएगा. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट की. मार्केट की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है परफेक्ट कंपटीशन, एक होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन. इन दोनों के बारे में हमने वैसे लास्ट वीडियो में भी बात किया था जब हमने इक्विलिब्रियम की बात की थी, और इसके साथ साथ रेवेन्यू कर्व्स वाली जो हमने वीडियो करी थी उसमें भी हमने बात की थी कि एक परफेक्ट कंपटीशन होता है, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है. और इम्परफेक्ट कंपटीशन के भी आगे टाइप होते हैं जो कि है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली, ठीक है? लेकिन इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं सिर्फ इस टाइप की बात करने वाले हैं, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की बात करने वाले हैं. तो परफेक्ट कंपटीशन के कुछ फीचर्स होते हैं. वो फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला होता है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ए प्रोडक्ट. यानी कि जो फर्म्स प्रोडक्शन कर रही हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं, इतनी ज्यादा मात्रा में होती हैं कि सिंगल फर्म्स जो होती है हमारी वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती. यानी कि ये सिंगल फर्म जो है उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता प्राइस के ऊपर. जो सिंगल फर्म होती है वो लाइक ए ड्रॉप इन द ओशियन, यानी कि समुंदर में एक पानी की बूंद की तरह होती है जो हमारी सिंगल फर्म होती है. तो यानी सिंगल फर्म का बिल्कुल भी प्राइस पे कंट्रोल नहीं होता. ये जो फर्म होती है ये प्राइस टेकर होती है, यानी कि जो मार्केट प्राइस डिसाइड करेगी या इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करेगी वही ये फर्म क्या है प्राइस चार्ज करेगी. सेकंड परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन क्या होती है, द प्रोडक्ट जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं. यानी कि जो प्रोडक्ट हमारे होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं. सिमिलर यानी कि क्वालिटी उनकी सिमिलर होती है, देखने में सिमिलर होते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, ये मैटर नहीं करता कि आप किस सेलर से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हर प्रोडक्ट जो है आइडेंटिकल होगा, ठीक है? और यही रीजन है कि हमारी फर्म्स जो है प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, वो प्राइस टेकर होती हैं. क्यों? क्योंकि एक तो प्राइस आइडेंटिकल है, हमारा जो बायर है वो किससे भी चाहे प्रोडक्ट ले सकता है, कोई भी प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होता, प्रोडक्ट जो है एक देखने में सिमिलर होते हैं. थर्ड जो इसकी कंडीशन होती है वो ये है कि बोथ सेलर एंड बायर हैव परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट. यानी कि जो सेलर है और जो बायर है उसे मार्केट की परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है. यानी कि अगर किसी भी एक फर्म ने प्राइस को इंक्रीज किया तो हमारे बायर को पता लग जाता है कि मार्केट में ये प्राइस चल रहा है और ये जो हमारी फर्म है पर्टिकुलर ये ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रही है, और जो हमारे बायर है उससे प्रोडक्ट खरीदना बिल्कुल खत्म कर देते हैं और वो फर्म जो है आउट ऑफ मार्केट हो जाती है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, हमारे बायर के पास मार्केट की परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है. और यही रीजन है कि हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में क्या होती है, इन्फिनिटी होती है. इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि प्राइस के थोड़े से चेंज होने से हमारी क्वांटिटी में इन्फिनिट चेंज आ गया. और फोर्थ केस क्या है, एंट्री इनटू एन एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज फ्री फॉर द फर्म. यानी कि फर्म जब चाहे एंट्री कर सकती है मार्केट में और जब चाहे एग्जिट कर सकती है. इसके अलावा एक और केस होता है जो कि होता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर. यानी कि जो फैक्टर है परफेक्टली मोबिल है, वो किसी भी फर्म में जाके काम कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक चीज जानने वाली है, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसे ही हम प्योर कंपटीशन कहते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, परफेक्ट कंपटीशन को ही हम प्योर कंपटीशन कहते हैं. बट कुछ इकोनॉमिस्ट थे जैसे कि चैम्बरलिन जी. अब चैम्बरलिन का क्या मानना था, चैम्बरलिन ने कहा कि परफेक्ट कंपटीशन जो है वो प्योर कंपटीशन से अलग होता है. चैम्बरलिन ने बोला था प्योर कंपटीशन किसे कहते हैं, जहां पे मोनोपोली एब्सेंट हो. जहां पे मोनोपोली नहीं होगी वह उस कंपटीशन को हम कहेंगे प्योर कंपटीशन, लेकिन उसे हम परफेक्ट कंपटीशन नहीं कहेंगे. क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि चैम्बरलिन ने इसी दो कंडीशन, इन दो कंडीशनों को बोला था कि ये प्योर कंपटीशन है. यानी कि जहां पे लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर होंगे और जहां पे प्रोडक्ट होमोजीनियस होंगे वो प्योर कंपटीशन होगा. यानी कि जहां पे मोनोपोली एब्सेंट होगी वो प्योर कंपटीशन होगा. लेकिन परफेक्ट कंपटीशन होने के लिए इन दो क्वालिटी के साथ साथ ये क्वालिटीज होना भी जरूरी है, तब वो चीज़ क्या कराएगी, परफेक्ट कंपटीशन कराएगी. तो यानी कि जो प्योर कंपटीशन है वो एक नैरो कंसेप्ट है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन जो है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें प्योर कंपटीशन की क्वालिटी के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वालिटी भी ऐड होती हैं. तो वैसे तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन सिमिलर ही चीज़ें हैं और ये दोनों ही हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते. लेकिन हमारे चैम्बरलिन जी कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन अलग अलग चीज़ें हैं, और जो प्योर कंपटीशन है वो क्वालिटी सिर्फ यही होती है कि वो मोनोपोली की एब्सेंस बताता है, और जो परफेक्ट कंपटीशन है वो कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी भी बताता है. तो ये तो हो गया परफेक्ट कंपटीशन हमारा क्या होता है. अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसका जो इक्विलिब्रियम होता है वो एक शॉर्ट रन होता है और एक लॉन्ग रन होता है. तो जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं
हैं वो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करने वाले हैं। बट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम से पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पहले तो हमें परफेक्ट कंपटीशन की रेवेन्यू कर्व्स के बारे में पता होना चाहिए कि रेवेन्यू कर्व्स कैसे बनती हैं परफेक्ट कंपटीशन की, और कॉस्ट कर्व कैसे बनती है हमारी परफेक्ट कंपटीशन की। लेकिन देखिए, परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमने किया था एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू कर्व जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती। जितना मर्जी आउटपुट हो, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू कर्व सेम रहती है, ठीक है। और इसी कर्व को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, ठीक है। यही हमारी प्राइस लाइन होती है और यही हमारी डिमांड कर्व भी होती है। ये था हमारे परफेक्ट कंपटीशन के केस में, जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमने देखा था कि एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होती है और मार्जिन रेवेन्यू कर्व जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्योंकि हम सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो इसकी हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे। अब आ जाती है कॉस्ट कर्व्स की बात। देखिए, कॉस्ट कर्व कैसे होती है। शॉर्ट रन में दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है फिक्स कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो आउटपुट के साथ चेंज होता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली है, फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आता है। मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री सेटअप करी, आपने कहीं से कैपिटल बोरो करी और उस कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, ठीक है। वो आपका फिक्स कॉस्ट है, चाहे आपकी आउटपुट हो चाहे ना हो, वो आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने एक कंपनी एस्टैब्लिश करी है और उसके लिए आपने कैपिटल कहीं से बोरो करी है। तो एक तो कैपिटल का जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा फिक्स कॉस्ट है, जो कि आपको देना ही देना है, ठीक है। दूसरा, जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर जो उसमें काम कर रहा है, जिसने वो कंपनी एस्टैब्लिश की है, उसका कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि अगर वो इस कंपनी को स्टार्ट ना करके कहीं और जॉब कर रहा होता तो वो कुछ पैसे कमा रहा होता। मान लीजिए वो 25,000 कमा रहा होता, ठीक है। तो ये जो 25,000 है ये भी फिक्स कॉस्ट है। ये वो कौन सा फिक्स कॉस्ट है, जो उसने गवा दिया, जो हर महीने वो कमा सकता था, जो वो नहीं कमा रहा। इसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं, इसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि अगर वो ये कंपनी ना खोलता तो वो 25,000 रुपये महीना कमा रहा होता। ये जो 25,000 रुपये मंथली है ये वो गवा रहा है, तो ये भी फिक्स कॉस्ट में ही इंक्लूड हो जाता है। इसे हम प्रॉफिट भी कहते हैं, यानी वो चाहता है कि इतना मैं प्रॉफिट अपनी कंपनी से कमा लूँ, ठीक है। तो ये भी फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें कुछ लेबर की जरूरत होती है, कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, यानी कि जैसे आउटपुट चेंज होगा वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट हमारा चेंज होता रहता है। तो जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारे आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारे आउटपुट पर डिपेंड करता है। तो जो हमारा टोटल कॉस्ट होता है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। अब एक चीज इसमें जाने वाली है कि इसमें हमने नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया। नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा, ये 25,000 जो हमारा एंटरप्रेन्योर कह रहा है कि मैं कहीं और काम करके जॉब करने के अलावा अपनी कंपनी से ही इतना पैसा निकाल सकता हूं। तो इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट में ही ये इंक्लूड हो जाता है। और इन सबको आउटपुट से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू में एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसे हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो एवरेज टोटल कॉस्ट है यानी कि एवरेज कॉस्ट है, इसमें ही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड होता है। इसमें हमारा नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, इंक्लूड होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा एवरेज कॉस्ट होगा उसमें हमारा नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है, यानी कि अगर कंपनी अपना एवरेज कॉस्ट भी पूरा कर रही है सिर्फ, तो यानी कि वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट में ही हमने नॉर्मल प्रॉफिट क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया एंटरप्रेन्योर का, जो वो कमाना चाहता है। तो एवरेज कॉस्ट में ही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, इंक्लूड होता है। और हमारा एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व है, यानी कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहेगा ये कम हो जाता है। अब ये चीज आप ध्यान रखिए, तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम है लेकिन हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है, और अगर आउटपुट चेंज हो रहा है तो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा कांस्टेंट रहता है पर आउटपुट चेंज होगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट चेंज होगा। इसलिए जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता रहता है, कम होता रहता है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, पहले कम होता है और फिर बढ़ता है। और इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट को मिला के हमारे पास आता है एवरेज टोटल कॉस्ट। तो ये चीज आपको सारी याद रखनी है। अब देखिए, परफेक्ट कंपटीशन के केस में ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू कर्व थी, ये मार्जिन रेवेन्यू कर्व भी इसे कहते हैं, ये हमारा प्राइस था। अब हम चेक कर लेते हैं इक्विलिब्रियम। देखिए, इक्विलिब्रियम वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कब आता है किसी भी फर्म का, जब मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट के इक्वल हो। मार्जिन रेवेन्यू क्या है, एक एक्स्ट्रा आउटपुट सेल करने पे उसका जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो मार्जिन रेवेन्यू होगा। और मार्जिन कॉस्ट क्या है, एक एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करने पे जो उसको कॉस्ट आ रहा है वो मार्जिन कॉस्ट होगा। तो हमारी फर्म तब तक प्रोडक्शन करती रहती है जब तक मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट ना हो। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि मार्जिन कॉस्ट कर्व है वो मार्जिन रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट करेगी, ठीक है। वो मार्जिन रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट करेगी। तो हम परफेक्ट कंपटीशन के केस में देख लेते हैं इक्विलिब्रियम कब होगा। देखिए, ये हमारी मार्जिन रेवेन्यू कर्व है, ये हमने बना दी मार्जिन कॉस्ट कर्व,
देखिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मार्जिन कॉस्ट कर्व क्या होती है, पहले डाउनवर्ड स्लोप होती है फिर अपवर्ड स्लोपिंग होती है, और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को और एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को उनके मिनिमम पॉइंट पे कट करती है। ये चीज याद रखिएगा, ये मिनिमम पॉइंट है एवरेज टोटल कॉस्ट का और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, तो इनके मिनिमम पॉइंट पे ये कट करती है। तो ये हमारी मार्जिन कॉस्ट कर्व है, ये हमारी मार्जिन रेवेन्यू कर्व है। हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू में मार्जिन कॉस्ट है, यहाँ पे भी मार्जिन रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट है, पर हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या बात करी कि मार्जिन कॉस्ट कर्व मार्जिन रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट करनी चाहिए, यहाँ पे ये ऊपर से कट कर रही है, तो जहाँ नीचे से कट करेगी वहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो ये हमारी फर्म का परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारी फर्म जो प्रोडक्शन कर रही है वो मान लीजिए OQ1 कर रही है, ये हमारी फर्म प्रोडक्शन कर रही है। अब क्या हुआ, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन चेंज हुई, यानी कि मार्केट में क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड के बढ़ने से मार्केट में प्राइस बढ़ गया, अब जो मार्केट का प्राइस बढ़ा है वही हमारी फर्म का प्राइस होगा, क्योंकि हमारी फर्म अपना तो प्राइस डिसाइड नहीं करती कि अपना प्राइस कम रहने दे और ज्यादा सेल कर ले, नहीं, वो अपना प्राइस डिसाइड नहीं करती, क्योंकि मार्केट में प्राइस बढ़ा है तो यानी कि फर्म की प्राइस कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो गई, यानी कि ये OP1 प्राइस हो गया। अब इसी को हम मार्जिन रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व कहते हैं ना, तो ये भी हमारी अपवर्ड शिफ्ट होगी। अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, ये क्यों है ये, क्योंकि मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू है यहाँ पे, और मार्जिन कॉस्ट कर नीचे से कट कर रही है हमारे मार्जिन रेवेन्यू कर को, ठीक है। तो अब फर्म कितना प्रोडक्शन करेगी, अब फर्म प्रोडक्शन करेगी इतना, इसे हम OQ2 मान लेते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारी फर्म अपना आउटपुट डिसाइड कर सकती है बट प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्राइस टेकर होती है ना, जो मार्केट में प्राइस होगा वो वही यूज करेगी, लेकिन वो अपना आउटपुट डिसाइड कर सकती है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या बातें पता लगी, एक बात हमें पता लगी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, मार्जिन कॉस्ट इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू होगा। सेकंड कंडीशन क्या होती है, मार्जिन कॉस्ट कर मार्जिन रेवेन्यू कर को नीचे से कट करनी चाहिए। दूसरी बात हमें पता है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस होता है। और तीसरी क्या है कि एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होती है उसे ही हम डिमांड कर्व कहते हैं। और इसके बाद क्या है, मार्जिन कॉस्ट कर्व जो होती है वो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को उनके मिनिमम पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि एवरेज जो टोटल कॉस्ट होता है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट को मिला के बनता है, और जो एवरेज टोटल कॉस्ट होता है यानी कि एवरेज कॉस्ट होता है उसमें ही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। और जो हमारा डिस्टेंस होता है एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, उसे हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, यानी कि वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ही होता है एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट हमारा क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। इन बातों को ध्यान में रख के हम देखेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की तीन कंडीशन कौन कौन सी होती है। देखिए पहली कंडीशन होती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। हमारी फर्म्स जो हैं वो परफेक्ट कंपटीशन के केस में शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब कमाती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस पे लिया है आउटपुट, वाई एक्सिस पे लिया हमने मार्जिन रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व है, जिसे हम मार्जिन रेवेन्यू कर्व भी कहते हैं, इसे हम प्राइस कर्व लाइन भी कहते हैं, और इसे ही हम डिमांड कर्व भी कहते हैं। तो इस OC आउटपुट पे हमारी फर्म प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। अब प्रोडक्शन कर रही है यहाँ पे, तो आप इस रेक्टेंगल को देख सकते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है आउटपुट, यानी कि क्यों आउटपुट, और इसकी ब्रेथ क्या है, ये क्या है, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू है हमारा इतना, एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्राइस। तो प्राइस इनटू आउटपुट क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया होगा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, टोटल रेवेन्यू कहते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू से हमने क्या निकाल लिया, टोटल रेवेन्यू निकाल लिया। ये हमारा क्या है, फर्म क्या कर रही है, टोटल रेवेन्यू कमा रही है। ये जो रेक्टेंगल का एरिया है ये हमारी फर्म का टोटल रेवेन्यू मिल रहा है इस टाइम हमारी फर्म को, ठीक है। और हमारी फर्म इस ए पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है, कैसे, मान लीजिए हमने एक मार्जिन कॉस्ट कर्व ड्राइव करी, ये हमारी मार्जिन कॉस्ट कर्व इसको यहाँ पे क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इस पॉइंट पे क्या है, मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट भी है, और ये इसको नीचे से कट कर रही है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अब हमारी फर्म इक्विलिब्रियम पे है और हमारी फर्म इतना टोटल रेवेन्यू कमा रही है। अब हम देख लेते हैं फर्म की एवरेज कॉस्ट कर्व। देखिए ये फर्म की एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कितना है, इतना, ठीक है, लेकिन हमारा एवरेज रेवेन्यू कितना है, इतना, यानी कि एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है हमारा एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू जो है वो ज्यादा है हमारा एवरेज कॉस्ट से, और इस एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी कहते हैं, यानी कि हमारा प्राइस ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से, यही है ना हमारा प्राइस, यही हमारा एवरेज रेवेन्यू है। तो हमारा प्राइस ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से, ये हमारा एवरेज कॉस्ट है यहाँ तक। अब हमने अगर टोटल कॉस्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, हम इस रेक्टेंगल से निकाल सकते हैं, ये हमारा आउटपुट है, देख सकते हैं यही हमारा आउटपुट है OC, ये हमारा आउटपुट है, ये होगी लेंथ, और ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, ये होगी ब्रेथ, यानी कि एवरेज कॉस्ट इनटू में आउटपुट इज इक्वल टू में टोटल कॉस्ट, ये हमारा निकल जाएगा, यानी कि ये वाला रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हमारा हो गया टोटल कॉस्ट, है ना, और ये रेक्टेंगल, बड़े वाला रेक्टेंगल था हमारा टोटल रेवेन्यू। तो हमारा प्रॉफिट क्या आता है,
टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो यानी कि ये जो एरिया बचा ये येल्लो वाला, इसे हम क्या कहेंगे, हमारा प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट रीजन है। और ये प्रॉफिट जो है हमारा, ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि हमारा एवरेज कॉस्ट कितना था, इतना है ना। और मैंने आपको बताया था एवरेज कॉस्ट में ही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर वो फर्म हमारा सिर्फ एवरेज कॉस्ट ही कमा रही होती, एवरेज कॉस्ट ही पूरा कर रही होती, तब भी वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती, लेकिन वो एवरेज कॉस्ट तो पूरा कर ही रही है, साथ में इतना एक्स्ट्रा भी रेवेन्यू ले रही है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं जब हमारा एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जब हमारा प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट है, तो हमारी फर्म जो है शॉर्ट रन में क्या कमाती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। एक तो ये कंडीशन हमें पता लगी। अब हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं लॉस की। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमने आउटपुट लिया। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमने मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट कर्व ली। ये हमारी एवरेज रेवेन्यू या मार्जिन रेवेन्यू कर्व कह लीजिए इसे, इसे हम प्राइस लाइन भी कह सकते हैं, ये ओपी प्राइस है, और इसे हम डिमांड लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। हमारी फर्म ओसी प्रोडक्शन कर रही है और ये ए फर्म पे इक्विलिब्रियम पे है। ये इसका टोटल रेवेन्यू आ गया, ये हमने पहले भी निकाला है, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू में प्राइस इनटू क्वांटिटी, इतना ये टोटल रेवेन्यू कमा रही है। और इस ए पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम पे क्या है, मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू में मार्जिनल कॉस्ट है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे से कट कर रही है मार्जिन रेवेन्यू कर्व को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एवरेज कॉस्ट कर्व कैसी है। अब मान लीजिए हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व ये है, ठीक है। तो अब बात है ये हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व है, तो इस टाइम इस आउटपुट पे ओसी आउटपुट पे हमारा एवरेज कॉस्ट कितना है, इतना। देखिए हमारा रेवेन्यू इतना है, एवरेज रेवेन्यू, हमारा एवरेज कॉस्ट इतना है। तो एवरेज कॉस्ट से टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, आउटपुट, ये आउटपुट हो गया, ये आप देख सकते हैं ओसी आउटपुट है, मल्टीप्लाई विद एवरेज कॉस्ट, यानी कि एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई विद क्वांटिटी इज इक्वल टू में टोटल कॉस्ट। ये एवरेज कॉस्ट है, ये क्वांटिटी है, तो ये टोटल कॉस्ट आ गया, यानी कि ये पूरा एरिया जो आ गया ये टोटल कॉस्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू हमारा इतना था, टोटल कॉस्ट क्या है हमारा, ये बड़े वाला रेक्टेंगल। तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है, लेकिन टोटल रेवेन्यू तो कम है, तो यानी कि प्रॉफिट माइनस में है, हमें क्या आ गया, लॉस हो गया। और कितना लॉस हो गया, इतना लॉस हो रहा है, ठीक है। हमें कितना लॉस हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है। ये वाला जो ब्लू रीजन वाला एरिया है, ये हमारा क्या है, लॉस है। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट हो, तब हमें क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। हमारी फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी लिख सकते हैं, यानी कि प्राइस जब एवरेज कॉस्ट से कम होगा तो फर्म को लॉस होगा। पहले क्या पढ़ा था हमने, जब प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होगा तो फर्म को क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब देखिए, क्योंकि फर्म को लॉस हो रहा है, क्या फर्म यहाँ पे प्रोडक्शन बंद कर देगी, जी नहीं। हमारी फर्म जो शॉर्ट रन में अगर लॉस भी हो रहा हो तब भी प्रोडक्शन बंद नहीं करती। क्यों बंद नहीं करती, उसका रीजन है, देखिए देखिए, ये फर्म का एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। ये फर्म की हमने निकाल ली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमें पता है ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट होती है, और ये इसके बीच के डिस्टेंस को एवरेज फिक्स कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये हमारी एवरेज कॉस्ट है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है एवरेज फिक्स कॉस्ट है। तो ओसी आउटपुट पे आप देख सकते हैं हमारी फर्म इतना वेरिएबल कॉस्ट कमा रही है, ये यहाँ पे कट कर रहा है जिसको वेरिएबल कॉस्ट को, तो इतना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कमा रही है, और ये हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट है। तो आप देख सकते हैं इतना पोर्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व का ये हमारी फर्म जो है कवर कर रही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व का इतना पोर्शन जो है कवर कर रही है। ये जो पोर्शन है ये एवरेज फिक्स कॉस्ट का वो कवर नहीं कर पा रही, यानी कि ये वाला उसे लॉस हो रहा है। लेकिन अगर हमारी फर्म प्रोडक्शन बंद कर दे तो क्या होगा, वो टोटल फिक्स कॉस्ट जो है हमारा वो कवर नहीं कर पाएगी, है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो चलो होगा नहीं, जब तक प्रोडक्शन नहीं होगी वेरिएबल कॉस्ट होगा ही नहीं। अगर फर्म ने बंद कर दी प्रोडक्शन तो वेरिएबल कॉस्ट तो बंद हो गया, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो रहेगा, यानी कि जो हमारी फर्म ने कैपिटल ली है उसका इंटरेस्ट जो उसे पे करना है वो तो पे करना पड़ेगा। साथ ही हमारा जो एंटरप्रेन्योर है जो जॉब छोड़ के बैठा है बेचारा अपनी 25,000 वाली, ठीक है, उसको वो पैसे का भी नुकसान हो गया, है ना। तो अगर फर्म प्रोडक्शन करती रहे तो इतना पोर्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट का वो फिर भी कवर कर रही है, अगर वो प्रोडक्शन करती रहे। अब मान लीजिए अगर डिमांड के कम होने से प्राइस कम हो गया मार्केट में, और मार्केट में प्राइस कम होने से हमारी डिमांड कर्व नीचे डाउनवर्ड होगी, इसे ही हम प्राइस लाइन कहेंगे। मान लीजिए ओपी वन प्राइस आ गया, इसे ही एवरेज रेवेन्यू कर्व कहते हैं, इसे ही मार्जिन रेवेन्यू कर्व कहते हैं। तो हम अब हमारी फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, ये है, यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू कर्व एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है, है ना। और यही पॉइंट है जहाँ पे क्या है हमारी फर्म क्या करेगी, अब प्रोडक्शन करेगी। मान लीजिए ये ओ क्यू वन आउटपुट है, हमारी फर्म क्या कर रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है। तो वो कितना रेवेन्यू कमा रही है, इतना रेवेन्यू कमा रही है। ये सारा एरिया जो है वो ये
रेवेन्यू कमा रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना वो वेरिएबल कॉस्ट फिर भी कवर कर रही है और इतना फिक्स कॉस्ट फिर भी कवर कर रही है। तो हमारी फर्म अभी भी प्रोडक्शन बंद नहीं करेगी क्योंकि इतना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसे मिल रहा है और इतना अभी भी वो एवरेज फिक्स कॉस्ट को क्या कर रही है, कवर कर रही है। जब तक वो फिक्स कॉस्ट कवर कर रही है तब तक वो प्रोडक्शन को बंद नहीं करेगी। अब मान लीजिए मार्केट में डिमांड फिर कम होगी और डिमांड कम होने से क्या हुआ, प्राइस दोबारा घट गया और प्राइस अगर घटा तो ये क्या होगा, प्राइस लाइन हमारी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई मार्केट की। ये मान लीजिए P3 प्राइस है, ठीक है। अब ओ P3 प्राइस हो गया, यही हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व है, यही हमारी मार्जिन रेवेन्यू कर्व है, ये हमारी मार्जिन कॉस्ट कर्व है, ठीक है। अब मार्जिन कॉस्ट कर्व मार्जिन रेवेन्यू कर्व को यहाँ पे कट कर रही है और यहीं पे हमारा मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू माई मार्जिन कॉस्ट है। तो हमारी फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, इतना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, इसे हम मान लेते हैं OQ3, ठीक है। अब हमारी फर्म का टोटल रेवेन्यू कितना आ गया, इतना, यानी कि हमारा फर्म जो है वो इतना रेवेन्यू प्रोड्यूस कर रही है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारी फर्म का क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो फर्म इतना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा कवर कर रही है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, इस पॉइंट को हम कहते हैं शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट हम इसे क्यों कहते हैं, शट डाउन पॉइंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर प्राइस इससे भी नीचे चला गया, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे चला गया, तो हमारी फर्म अपना वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाएगी, यानी कि जो लेबर और रॉ मटेरियल फर्म यूज कर रही है उसके भी पैसे वो पूरे नहीं कर पाएगी। तो हमारी फर्म अपने प्रोडक्शन को यहीं पे बंद कर देती है जहाँ पे प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे चला जाए। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, जब हमारा प्राइस लेस देन एवरेज कॉस्ट होगा तब हमारी फर्म लॉस कमाएगी, लेकिन वो लॉस कमाने के बावजूद भी प्रोडक्शन को स्टार्ट रखेगी। प्रोडक्शन को स्टार्ट क्यों रखेगी, क्योंकि वो अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और कुछ पोर्शन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या कर रही है, कवर कर रही है। लेकिन एक पॉइंट आएगा, अगर मान लीजिए प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया, तो इसे हम कहेंगे शट डाउन पॉइंट। ये वो पॉइंट होगा कि अगर इससे नीचे प्राइस चला जाता है तो हमारी फर्म अपनी प्रोडक्शन को बंद कर देगी, ठीक है, क्योंकि वो अपना वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाएगी। तो हमने क्या क्या सीखा, जब प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट था तो हमारी फर्म क्या कमा रही थी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही थी, और जब हमारा प्राइस लेस देन एवरेज कॉस्ट था तो हमारी फर्म क्या कमा रही थी, लॉस कमा रही थी। लॉस कमाने के बावजूद भी वो क्या कर रही थी, प्रोडक्शन को बंद नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ग्रेटर था, यानी कि अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रही थी, साथ में कुछ पोर्शन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट भी कवर कर रही थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर इससे नीचे प्राइस जाता है, मान लीजिए ये प्राइस लाइन है, तो क्या होगा, ये हमारी फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट है, ये हमारी मार्जिन रेवेन्यू कर्व है जिसे हम एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहते हैं, जिसे हम डिमांड कर्व भी कहते हैं, ये हमारा P4 प्राइस हो गया। तो हमारी फर्म क्या कर रही है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पूरा नहीं हो रहा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस Q4 आउटपुट पे कितना होगा, इतना, ठीक है, लेकिन हमारी फर्म का रेवेन्यू कितना है, सिर्फ इतना, यानी कि अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पूरा नहीं कर पा रही है, और एवरेज कॉस्ट तो बहुत दूर की बात है ना। तो हमारी फर्म क्या कर देगी, प्रोडक्शन को बंद कर देगी। तो ये हुई लॉस की बात। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट के केस में भी हम देखेंगे, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारी मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट कर्व है, ये हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व है जिसे हम मार्जिन रेवेन्यू कर्व भी कहते हैं, जिसे हम डिमांड लाइन भी कहते हैं और जिसे हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारी फर्म टोटल रेवेन्यू कमा रही है और इस ए पॉइंट पे ये हमारी फर्म क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट है और हमारी मार्जिन कॉस्ट कर्व नीचे से कट कर रही है मार्जिन रेवेन्यू कर्व को। ओके, अब हमारी एवरेज कॉस्ट मान लीजिए फर्म की ये है, इस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट हम चेक करें इस OC आउटपुट पे तो ये है, और यही हमारा एवरेज रेवेन्यू है। आप देख सकते हैं यही हमारा एवरेज कॉस्ट है और यही हमारा एवरेज रेवेन्यू है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है, यानी कि हमारी फर्म जो कमा रही है एवरेज रेवेन्यू, वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल है, यानी कि वो अपना एवरेज कॉस्ट निकाल रही है। और अगर वो एवरेज कॉस्ट निकाल रही है, मतलब कि वो अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की कि एवरेज कॉस्ट में हमारा नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। तो जब प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होगा, हमारी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी, और जब हमारा प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होगा, हमारी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी, और जब हमारा प्राइस लेस देन एवरेज कॉस्ट होगा तब हमारी फर्म लॉस कमाएगी। और कब तक लॉस कमाएगी, जब तक प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं आ जाता। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम शट डाउन पॉइंट कहते हैं, क्योंकि अगर इससे नीचे अगर प्राइस गया तो हमारी फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर प्राइस की जगह पे एवरेज रेवेन्यू भी लिखा है तब भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अगर ऐसे लिखा है एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तब हमारी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट, तो हमारी फर्म लॉस कमाएगी। और कब तक लॉस कमाएगी, जब तक एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं आ जाता। अगर उससे नीचे गया तो हमारी फर्म बंद हो जाएगी, ठीक है। तो हमने अब तक क्या क्या सीखा, एक तो हमने बात करी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा प्राइस जो है वो ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होता है, या फिर कह लीजिए हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है
वो ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होता है। दूसरी हमने बात करी थी लॉस की। लॉस कब होता है? जब हमारा प्राइस लेस देन एवरेज कॉस्ट होगा, या कह लीजिए एवरेज रेवेन्यू जो है वो लेस देन एवरेज कॉस्ट होगा। लेकिन हमारी फर्म लॉस में भी क्या करती रहेगी? प्रोडक्शन करती रहेगी। कब तक प्रोडक्शन करती रहेगी? जब तक प्राइस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं हो जाता। और जैसे ही प्राइस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हुआ, यानी कि शट डाउन पॉइंट पर जब फर्म पहुंची, तो फर्म इसके बाद क्या कर देगी? प्रोडक्शन बंद कर देगी। यानी कि प्राइस लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं होना चाहिए कभी भी, या फिर कह सकते हैं एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड केस हमने किया नॉर्मल प्रॉफिट का। और नॉर्मल प्रॉफिट के केस में क्या है? जब प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है, और जब प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है तो इसे हम क्या कहेंगे? फर्म क्या कमा रही है? नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि एवरेज कॉस्ट के अंदर ही नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? इंक्लूड होता है। तो ये तीन चीजों की हमने यहाँ पे बात की। अब हम बात कर लेते हैं सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इन शॉर्ट रन, यानी कि शॉर्ट रन में जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म है उसकी सप्लाई कर्व क्या होगी। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा मार्जिन रेवेन्यू या मार्जिन कॉस्ट, ये हमारी क्या है जिसे हम कहते हैं एवरेज रेवेन्यू कर्व, और इसे ही हम कहते हैं मार्जिन रेवेन्यू कर्व, और इसे ही हम कहते हैं डिमांड लाइन ऑफ द फर्म इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, और इसे ही हम कहते हैं प्राइस लाइन। ठीक है, तो ये OP1 हमारा प्राइस है, और हमारी फर्म का ये जो है ये मार्जिनल कॉस्ट है, और ये इस पॉइंट पे क्या कर रही है? कट कर रही है हमारी मार्जिन रेवेन्यू कर्व को, जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू है मार्जिन कॉस्ट है, और ये नीचे से कट कर रही है, हमारी फर्म इक्विलिब्रियम पे है। ये हमारी फर्म की क्या है? एवरेज कॉस्ट कर्व। अब आप चीज देखिए, हमारी फर्म मान लीजिए OQ1 आउटपुट प्रोड्यूस करती है इस OP1 प्राइस पे। ठीक है, ये इस प्राइस पे हमारी फर्म OQ1 आउटपुट क्या कर रही है? सप्लाई कर रही है। अब मान लीजिए क्या हुआ, मार्केट में डिमांड कम होगी, डिमांड कम होने से मार्केट में प्राइस कम हो गया। अब मार्केट में जो प्राइस है वही हमारी फर्म प्राइस लेगी, यानी कि मार्केट में अगर प्राइस कम हुआ तो हमारी फर्म की डिमांड कर क्या होगी? नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है, मान लीजिए ये OP2 प्राइस आ गया। ठीक है, और इसे ही हम एवरेज रेवेन्यू या मार्जिन रेवेन्यू कर्व कहेंगे, क्योंकि ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब यही हमारी डिमांड लाइन है। अब इस प्राइस पे हमारी फर्म कितना आउटपुट सप्लाई करेगी? OQ2 आउटपुट सप्लाई करेगी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो आया हमारी फर्म का, ये आया हमारा बी पॉइंट मान लेते हैं, मान लीजिए तो ये पॉइंट आया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यानी कि OP2 प्राइस में हमारी फर्म कितना अप्लाई कर रही है? OQ2 सप्लाई कर रही है। अब मान लीजिए डिमांड और कम होगी तो हमारी फर्म क्या करेगी? प्रोडक्शन को और कम कर देगी। मान लीजिए डिमांड के कम होने से क्या हो गया, प्राइस मार्केट में कम हुआ, और जो मार्केट का प्राइस है वही हमारी फर्म का प्राइस है, तो OP3 प्राइस है। इस प्राइस पे हमारी फर्म क्या कर रही है? OQ3 आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। हमें पता है कि हमारी फर्म आउटपुट अपनी मर्जी से प्रोड्यूस करती है, प्राइस हमारी मार्केट डिसाइड करती है। तो ये सी पॉइंट आ गया, इस सी पॉइंट पे हमारी फर्म प्रोडक्शन कर रही है। देखिए, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है हमारी फर्म प्रोडक्शन कम करती जा रही है, चाहे वो घाटे में ही है। क्यों घाटे में है? क्योंकि आप देख सकते हैं ये सारी प्राइस लाइन क्या है? हमारी एवरेज कॉस्ट से नीचे है, एवरेज कॉस्ट से नीचे है। प्राइस लेस देन एवरेज कॉस्ट होगा तो हमारी फर्म लॉसेस कमाएगी, और लॉसेस कब तक कमाएगी? जब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं करती। मान लीजिए इस सी पॉइंट पर उसने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर किया, तो ये आ गया वो पॉइंट जहां पे क्या हो गया, प्राइस इज इक्वल टू में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब यहां पे क्योंकि प्राइस इज इक्वल टू में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इसे हम कहेंगे हमारा शट डाउन पॉइंट, यानी कि अगर इससे नीचे प्राइस गया तो हमारी फर्म प्रोडक्शन को बंद कर देगी, फर्म सप्लाई क्या कर देगी? बंद कर देगी। तो यानी कि ये क्या था, P3 पे हमारी फर्म Q3 सप्लाई कर रही थी, यानी इतना, P2 पे हमारी फर्म इतनी सप्लाई कर रही थी, P1 पे हमारी फर्म इतना सप्लाई कर रही थी। और अगर प्राइस मान लीजिए बढ़ जाता है, अगर मान लीजिए प्राइस P4 हो गया, तो हमारी फर्म इतना सप्लाई कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट है, और मार्जिन रेवेन्यू कॉस्ट कर्व हमारी मार्जिन रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट कर रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारी फर्म की सप्लाई बता रहा है, जैसे जैसे प्राइस चेंज हो रहा है हमारी फर्म कितना कितना प्रोडक्शन बढ़ा रही है। तो इस कर्व को हम कहते हैं सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म, और देख सकते हैं आप यही हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व ही हमारी सप्लाई कर्व होती है, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व होती है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म की। और आप यहाँ पे देखिए, क्या हमारी मार्जिन कॉस्ट कम सारी की सारी सप्लाई कर्व है? जी नहीं, सिर्फ ये पोर्शन, यहाँ से स्टार्ट होके ऊपर वाला हमारा पोर्शन जो है सप्लाई कर्व है। और ये कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जिसे हम शट डाउन पॉइंट कहते हैं, यानी कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर वाली पोर्शन है मार्जिन कॉस्ट कर्व का, वही हमारी सप्लाई कर्व होती है। तो हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ मार्जिन कॉस्ट कर्व विच लाई अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व फॉर्म द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। मार्जिन कॉस्ट कर्व का वो पार्ट जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर लाई करता है, वही शॉर्ट रन सप्लाई कर्व होता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म का। अब कुछ बुक्स में लिखा है कि पॉजिटिव पोर्शन ऑफ मार्जिन कॉस्ट कर्व इज ए सप्लाई कर्व ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारी मार्जिन कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है, इसके बाद ये पोर्शन जो है ये पॉजिटिव है। लेकिन
क्या ये सप्लाई कर्व है? जी नहीं, सप्लाई कर्व वाला पोर्शन वही होगा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से अपर लाई करेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा परफेक्ट कंपटीशन के बारे में सब कुछ। तो ये था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।